प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुहब बालसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम इस वीडियो में डेविसन ग्रामर प्रयोग की जो क्रिया विधि है, इसमें कैसे कार्य होता है और इसका निष्कर्ष क्या है, इसमें लास्ट में निष्कर्ष क्या निकल के आता है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए इसी कार्य देखो कि कार्य विधि क्या है, कैसे कार्य करता है। तो इसमें तो क्या होता है, हम सबसे पहले ये जो हमारा जो धातु का फिलामेंट होता है, ये इस बैटरी से गर्म हो जाता है। ये गर्म होकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गन होता है, इस इलेक्ट्रॉन गन से बहुत तेज गति से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन ये पुंज के रूप में बाहर, यानी एक समूह के रूप में बाहर निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन समूह के रूप में जब बाहर निकलते हैं बहुत तेज गति से, तो यहाँ टकराते हैं। ये एक निकिल क्रिस्टल होता है जो एक विवर्तक के रूप में कार्य करता है। तो जैसे यहाँ टकराते हैं इनका विवर्तन हो जाता है, विवर्तन के पश्चात सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं, कुछ विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, यहाँ पर भी समग्र रूप में पहुँचते हैं। तो यहाँ से टकराने के बाद में, यानी यहाँ जब इनका विवर्तन हो जाता है, विवर्तन के बाद में जो इनका समूह होता है उसको विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज कहा जाता है। जबकि विवर्तन से पहले जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं समूह के रूप में, इसको आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज कहा जाता है। तो आप समझ गए कि सबसे पहले दो शुरुआत यहाँ से होती है। ये धातु फिलामेंट होता है, ये पहले गर्म होता है। अपन जानते हैं प्रकाश धारा प्रभाव से कि जब ये गर्म हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के इस तरह से बाहर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, यह एक बारीक छिद्र होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत तेज गति से बाहर निकलते हैं, यहाँ टकराते हैं, टकरा करके इनका विवर्तन हो जाता है। विवर्तन के पश्चात ये सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे ये आयनन कोष्ठ होता है, इसको आयनन कक्ष भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी गैसें भरी होती हैं, उसमें क्या है कि ये पहुँच करके उन गैसों का ये आयनीकरण कर देता है। और विवर्तन जो पुंज है उसकी तीव्रता मापने के लिए हम इसको, इस वर्ताकार जो पैमाना है यहाँ पे हम इसको खिसका सकते हैं। और यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके द्वारा इस धारा को माप लिया जाता है। तो मेन उद्देश्य क्या है कि ये जो प्रयोग है इसका निष्कर्ष ये है कि यहाँ पे जो द्रव्य कण थे इलेक्ट्रॉन, इनका विवर्तन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रयोग है ये द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति को दर्शाता है, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ इनका विवर्तन हुआ है। विवर्तन से, विवर्तन जो है एक ऐसी घटना है जो प्रकाश के है इलेक्ट्रॉनों की वो तरंग प्रकृति को दर्शाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन हुआ है यहाँ से, तो ये प्रयोग यही दर्शाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो द्रव्य जो कण होते हैं, ये भी एक तरंग प्रकृति के रूप में, या ये भी एक तरंग के रूप में व्यवहार करते हैं, ये प्रयोग दर्शाता है। मेघवाद इसमें क्या होता है कि जो हम इस प्रयोग को यहाँ अलग अलग विभांतर देकर करते हैं, जब इस प्रयोग को यह विभांतर का मान अलग अलग पे किया गया, पहले यहाँ पे विभांतर 44 वोल्ट रखा गया, फिर आपतित जो किरण पुंज है और जो विभांतर है उसके मध्य ग्राफ खींचा गया। तो पहले 44 वोल्ट पे इसको प्रयोग को किया तो विवर्तन पुंज की जो दिशा इस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त होती है, 48 पे इस तरह से प्राप्त होती है, 54 पे इस तरह से प्राप्त होती है और 64 पे इस तरह से प्राप्त होती है। तो यह आलेख है विभांतर और आपतित किरण पुंज की दिशा में। तो ये चार जो आलेख यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक जो विवर्तन जो पुंज है यहाँ पे 54 वोल्ट पे होता है, यानी सबसे अधिक जो प्रकीर्णन है इन कणों का वो 54 वोल्ट पे होता है। और यहाँ पे इनका जो है 50 डिग्री यहाँ पे कोण रखा गया, तो यहाँ पे अधिक विवर्तन जो है इनका जो प्रकीर्णन है वो 54 वोल्ट प्राप्त होता है। फिर क्या है, इस प्रयोग के संबंध में ही एक ब्रेग नामक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने ये कहा, ब्रेग नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो निकल जो क्रिस्टल होता है इसके जो परमाणु जो तल होते हैं इनसे जो कण बाहर निकलते हैं वो भी तरंग के रूप में ही व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे उन्होंने ये बताया, इन्होंने ब्रेग नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया, वो इस तरह था, वो समीकरण था d sin थीटा बराबर n लैम्डा। ये
एक समीकरण दिया था ब्रेग नामक वैज्ञानिक ने, जिसको ब्रेग समीकरण कहा जाता है। उन्होंने ये बताया था कि जिस प्रकार से द्रव्य कण तरंग प्रकृति के रूप में व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से जो ये निकल क्रिस्टल है, इसके जो तल होते हैं, यहाँ से जो कण बाहर निकलते हैं, वो कण भी एक तरह से तरंग की तरह या एक्स किरणों की तरह बिहेव करने चाहिए, उनकी तरह व्यवहार दर्शाने चाहिए। तो ये समीकरण दिया था ब्रेग ने, डी साइन थीटा बराबर एल लैम्बडा। अब देखिए यहाँ पे जो डी है, यहाँ पे डी निकल क्रिस्टल के दो परमाणु के बीच की दूरी होती है, इसका मान वहां 2.15 जो है एंगस्ट्रम लिया जाता है। इसका मान डी का मान अगर हम यहाँ पे डी का मान रखते हैं 2.15 और यहाँ पे ये साइन थीटा, अगर हम थीटा मान 50 डिग्री लेते हैं, साइन 50 डिग्री और बराबर एन, एन का मान हम एक ले लें प्रथम कोटि के लिए और यहाँ पे लैम्बडा, तो यहाँ पे 2.15 गुणा 2.15 यानी एस मान लो 2.15 गुणा साइन 50 का मान अपन जानते हैं 0.766 के समथिंग होता है बराबर में लैम्बडा। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो मान है वो लगभग 1.65 एंगस्ट्रम के समथिंग प्राप्त होता है। तो ब्रेग ने बताया कि जो द्रव्य कण होते हैं उनका जो परायोगिक जो मान होता है, हमने जब प्रयोग किया, हमने इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन किया, तो इस प्रायोगिक से मान से उनका जो तरंग दैर्ध्य है वो 1.65 एंगस्ट्रम प्राप्त हुआ। जबकि जो डी ब्रोगली वैज्ञानिक था, उसने बताया कि उसने सैद्धांतिक रूप से जो मान प्राप्त किया तरंग दैर्ध्य का इलेक्ट्रॉनों के लिए, वो मान 1.67 एंगस्ट्रम प्राप्त होता है। आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रायोगिक मान जो हमने इस प्रयोग से प्राप्त किया 1.65 प्राप्त हुआ, और जिसका सैद्धांतिक जो मान है जो डी ब्रोगली प्राप्त किया था, वो मान भी 1.67 एंगस्ट्रम जो कि सेम है, लगभग बराबर प्राप्त होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारे द्रव्य कण होते हैं ये भी एक तरंग की तरह बिहेव करते हैं, व्यवहार दर्शाते हैं, यानी ये भी एक तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। ये इसका मुख्य निष्कर्ष है इसका। बाकी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।